टीएचएम वाले लोगों से मिलने के लिए। टीएचएम वाले लोगों, हाँ भाई और क्या, क्यूट कैनी, इसका आगे से नाम तेरा दूंगी क्यूट कैनी। ये है कम वाली 1500 रुपए में, झाड़ू पोछा वाइपर में सब मार के 1500 रुपए में, ठीक है। तो ये आ गए हैं भाई, मैंने वहाँ भाई तुमको लिया नहीं थी वीडियो में, ठीक है। उस टाइम पे मेल मिलाप में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे और दिल्ली आए। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब मैं जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि मेरे तीसरे ब्लॉग में भी सेम टी शर्ट है जो कल का ब्लॉग था। उसमें हुआ क्या कि मेरी रात को, असल में बाइक से आया था बड़े दिनों बाद, तो रात को हो गई कल बारिश भयानक, और मैं 10:30 तक वेट करता रहा, फिर बारिश रुकी नहीं तो फिर मैं यहीं रुक गया। तो अब बुलेट जो है पापा कुछ चाहिए होती है और मुझे यहाँ गाड़ी की ज़रूरत है उस वगैरह पर, ठीक है। कल भी आपने देखा होगा कि बड़ी दिक्कत हो गई थी, तो अब मैंने भाई को बुला लिया अपने को, वो गाड़ी लेके आया है और बाइक ले जाएगा, तो मैं उसको बाइक बाइक देने जा रहा हूँ ऐसी चड्डी में, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं बाहर, अब अपनी गड्डी में ब्लॉग बनाएंगे, ओके। तो वीडियो को लाइक कर दें, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं रेगुलर वीडियोज लेके आऊँगा, रेगुलर ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है, ओके। बाकी टेंशन ना लो, ये कलर चेंज कर दूंगा अभी। ये है सोसाइटी अपनी, मैं जा रहा हूँ। उधर गाड़ी खड़ी है बाहर, वो खड़ा सामने भाई। तो ये आगे अपनी गाड़ी, गाड़ी की हालत देखो क्या हो रखी है भाई, गाड़ी धोता लाता यार है भाई। बाइक चली जाएगी, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, मैं कह रहा धोता लाता इसे। चल ठीक है, आराम जाइए, ठीक है। चाबी भी दो, चाबी लगी हुई है उसी में। तो दोस्तों वीडियो कह रहा हूँ, गाड़ी आ गई है अपनी, ठीक है। गाड़ी की हालत अगर आप देखोगे ना, ये देखो क्या हाल हो रखा है। ये वैसे 2-3 दिन से ऐसी हो रही है कि गाड़ी धुली भी नहीं है, और बरसात का मौसम होता है ना तो हाल यही रहता है जैसे मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो जैसे कि मैं कपड़े की भी बात कर रहा था, यहीं पे कर लूँ क्या चेंज? ओके, हाँ टिकटॉक वाले स्टाइल में करते हैं ना चेंज। देखा, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हमारे भाई ने टिकटॉक चलाया है थोड़े दिन, ठीक है। तो वहां से ना कुछ मैंने जादुई शक्तियां भी ले ली थी मैंने, ऐसे वाली, ये वाली, ठीक है। चलो भी ठीक है, अब चलते हैं अंदर। नहीं, कुछ सामान भी तो लेना है, दूध वूध कुछ लेके चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आराम से। और आज गाड़ी की सफाई करवाएंगे यार, ये देखो ये अपनी सोसाइटी, ये हमारे यहाँ की बाहर की कमर्शियल मार्केट है, यहाँ से सामान हमारे लेते। तो चलो समोसे, कुछ भी ले लिए हैं, समोसे ब्रेड और दूध। सुबह सुबह मन कर रहा था समोसे खाने का, बरसात का मौसम भी हो रहा है, तो हमने कहा चलो। यार गाड़ी को देख के बहुत बुरा लग रहा है, वैसे तो मेरी गाड़ी गंदी रहती है ज़्यादातर, ये देखो क्या हाल हो रखा है। बाकी चलो कोई नहीं, साफ करवा लेंगे, मेरी आदत ही है। मैं भी वैसे गंदी दे के आया था भाई को ना ऐसी, और ऊपर से जब बरसात वगैरह होती है ना, देखो पूरे कैसे गंदी गंदी हो जाती है पूरी ना ये। छी, गंदी गाड़ी किसकी है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आज आने वाले हैं इरफान भाई, बसंत न्यूज़ वाले, ये मैंने आपको पहले ही, चलो मैंने सोच रहा था कुछ डाल लूँगा ब्लॉग में, लेकिन कोई नहीं, उनको भी पता चलेगा कि मैंने ब्लॉग वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं रेगुलर, मतलब स्टार्ट तो मैंने पहले भी करा था 1-2 बार, ठीक है। तो बाकी वो आएंगे तो शायद आने वाले होंगे। अभी क्या टाइम हो रखा है, समय हो रहा है 11:17, फ्राइडे है आज, तो वीडियो शायद आप कल देख रहे हो यानी कि सैटरडे को, तो उनको मैं पिक करूंगा जाके, या वो देखते हैं वो सीधा आएंगे कैसे, क्योंकि वो बता रहे थे किसी एक बंदे के साथ आना है उन्हें काम वाम है कुछ, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। मिलाते हैं फिर आप लोगों से, बने रही ब्लॉग में, लाइक कमेंट शेयर कर देना, जैसे आपने पहले ब्लॉग को सपोर्ट किया ऐसे सपोर्ट करते रहिए चैनल के, आपको 1 लाख सब्सक्राइबर कराने हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने THF छोड़ दिया है, तो भैया नया चैनल है दिल्ली वाले शर्मा जी, उसको जाके सपोर्ट करना, ठीक है, और इस चैनल को सपोर्ट करना अगर आप चाहते हो मैं रेगुलर ब्लॉग बनाऊँ, ओके। ये देखो ये सोसाइटी का हमारा रास्ता है अंदर बेसमेंट में जाने का, ये अंकल जी बैठे हुए हैं, बहुत मेहनती अंकल है, रेगुलर मैंने देखा हर टाइम, हमें अगर ड्यूटी पे रहेंगे ना तो ऐसा नहीं कि कभी इधर उधर चले गए, रेगुलर रहते हैं। और ये इधर से जाते हैं, एक रास्ता उधर से दूसरी साइड जहाँ से मैं आया था, अभी आपको दिखाया था बुलेट से, और एक रास्ता ये है बेसमेंट का। अब चलते हैं ऊपर, ठीक है। अब सीधा रेडी वेडी होके जैसे भी हो गया, जैसे मैं निकलूंगा तब आपको कॉल करते हैं, ठीक है। चलो, मतलब कॉल नहीं, सॉरी कॉल नहीं, हाँ ये कर लो पहले, ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप सभी का दिन शुभ रहे, शुभ रात्रि, सॉरी गुड मॉर्निंग और सुप्रभात।
अभी भी सूट होने थे, आज फिर से बारिश हो गई है। अरुण व्लॉग ना बना रहा तू? अभी नहीं बना, अभी नहीं बना रहा, बना दिया हो बना क्या है? एलिवेटेड पे बिक गया अरुण है ना वो वाला। इधर देखो इनकी, कहाँ गए, क्या क्या बोल रहे हैं ये किए देखो। आपको कैसे पता मैंने बोला? वो मैं बताती हूँ एक्चुअल में वो क्या बोल रहा है कि पहले तो बात स्टार्ट हुई मेरी शादी को लेकर, ब्याह कब करेंगे, शादी ऐसे करेंगे, रोज ताने मारा करूंगा। फिर बोलता है कि पड़ोस वाली लड़कियां होती है ना वो इस तरीके से बातें करती है, देखियो इसके तो शादी भी ना हो रही है, हाँ बबीता की लौंडी आके तो शादी भी ना हो रही, और बताने क्या 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 क्या। और उसके बाद फिर चुगली करती है कि है तीन दिन में देखियो अब आई है, एक सुक्का सा इसका भाई है और दूसरी बहन भी इसकी भारी रह है। छोटी वाली बात है, इसकी खुद की शादी तय होगी ना, इसे दूसरों का मजाक उड़ा रहा है। हाँ। बेटा ऐसा नहीं है, किसी ना किसी इसकी भी शादी होगी, देखी इसके देवता ही पूजेंगे। तो मैं तो रेडी हो गया, नहा लिया देखो, ये नहा के नहीं आया सुअर, भीग गया था दोबारा सुखाई का भी दोबारा वही पहनी। तो सुबह घर से नहा के आया था ठीक है, लग नहीं रहा था। अच्छा अब तुझे एक जोक सुना दो, सुन जोक ये है, शर्मा जी की चटपटी बातें जो कहानियाँ कुछ भी करो ठीक है। देख पता है एक रास्ते पर ना एक औरत जा रही थी ठीक है, रास्ता एकदम सुनसान था और उसका घर तो तकरीबन एक किलोमीटर दूर, वो चलती जा रही चलती जा, पहले उसको रास्ते में एक आदमी मिला ठीक है, पता वो कौन होगा? अंदाजा लगा गैस कर, इसी क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ, बहुत सिंपल सा आंसर है। एक औरत सुनसान रोड पर जा रही थी, रास्ते में अपने घर, उसका घर था एक किलोमीटर ठीक है, कहनी बताएगी कहनी, एक औरत ना सुनसान रास्ते में जा रही थी घर अपने ठीक है, रास्ते में उसका घर था एक किलोमीटर, वो चलती गई पैदल चली, थोड़ी सी आगे जाने पर ही उसको एक आदमी मिला, बता वो कौन होगा? थोड़ी आगे होगा औरत भूत, इसका मतलब सोचो कौन होगा और सोचो। जबकि औरत ने उसको देख के सामने चेहरे से पहचाना भी नहीं, अब सोचो बता तो पति नहीं होगा, ये तो कंफ्यूजन हो गया। मैं बताऊँ कौन होगा? वो कोई अनजान होगा। इतना दिमाग में लगाएगा छोटी छोटी बातें। बाकी अभी देखो बाहर हो रही है बारिश, बारिश कैसे मौसम हो रहा है भयानक, देखो ये दिख रही होगी, पता नहीं आप लोगों को दिख रही है नहीं दिख रही, मतलब इतनी तेज भी नहीं हो रही लेकिन भीगने वाली हो रही है। तो भाई भयानक बारिश शुरू हो गई है, ओए बुलाओ मत बना ली, बता रहा हूं हैं ब्लैक कर इनको ताल लो, इनको ताल इनको, शूट कैसे होंगे आज? ओ भाई देखो मौसम देखो कैसा हो रहा है, ओ एकदम वाइट कुछ दिख नहीं रहा ना, ओ भाई कितनी भयानक बारिश। दीपू और तेरी शादी वाले दिन ऐसी बारिश अगर हो जाए, कैसी बात कर भाई, सुख सुख बोलो यार, कैसी बात कर रहे हो, मजा ला जाएगा ऐसी बारिश हो जाता है, पर देख इसने कर्म ऐसे कर रखे, सर्दी में बारिश पड़ सकती है। मौसम तो एकदम बढ़िया हो रहा है भाई, इस टाइम मन कर रहा है अपना सो जाओ अपना आराम से, चाय पी जाओ, ब्लॉग बनाने कॉल में जा रहे थे, ब्लॉग बनाने आई थी ऑलरेडी, मैंने कैमरा खोल लिया, एक काम कर हमारी उंगली में बेसन लगा, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है ना, अब हो रही है भयानक तेज बारिश, ओ तेरी फोन पे भी पानी आ गया। चलो अब लगता नहीं है कि शूट वूट हो पाएगा आज का दिन, बेसिक है भयानक पानी आ रहा है, देखो कितना तेज आ रहा है। चलो फिर ये रोज सच सच के तैयार हो जाती है शूट के लिए, देखो मुझे ना एक्चुअल में मेरा जो ओह माय गॉड विकीज, ओ हेलो, वो ऐसा है कि मुझे ना मैरिज लड़की देखना है, तो आप बताओ ऑब्वियस सी बात है मुझे प्रॉपर रेडी होना पड़ेगा, चलो चलते हैं कोई नहीं, दो देखते थोड़ी देर में अगर बंद हो जाती है ठीक है, आधा एक घंटा दो घंटा और वेट करेंगे, मतलब 4 बजे तक और वेट करेंगे, उसके बाद तो फिर टाइम ही नहीं बचेगा, वैसे भी 15-20 मिनट आधा घंटा जाने का लगता है, फिर उसके बाद वो ये रेडी वेडी करने में आधा एक घंटा रेट चला जाता है, तो 6-7 बजे में अब ये तो और तेज होती जाएगी, अंदर आ जा, चलो अंदर आ जा, अंदर अंदर। ये देखो क्या मौसम हो रहा है, देखो पानी देखो कितना भरा हुआ है, चलो इधर दिख नहीं रहा, इधर दिखाई दे भैया, देखो दिल्ली में आई बाढ़, लेकिन अभी तो हम गाजियाबाद में हैं, नहीं दिल्ली से कनेक्टिंग रोड है ना, तो वहां से बाढ़ बहती बहती इधर तक चली गई। अच्छा ये देखो तो जगह आ रही है भैया को लेने, हां तो इसके दोनों भैया आ रहे हैं, चलो
अब लेने जाते भाई, निकलते ही ना बारिश होगी, थोड़ा सा जाम मिल गया था तो मैं ब्लॉग के बारे में भूल गया। ठीक है, अब सीधा वहीं दिखाऊंगा। ठीक है, चलो अपने ले लिया ना, मैं ले ही नहीं रहा। बताओ ये भाई, देखो मैम आज आया था भाई THM वाले लोगों से मिलने के लिए। THM वाले लोगों, हाँ भाई और क्या भाई, एक कोटा से आए तो। अरे हाँ भाई, मेरे ब्लॉग में तो आए नहीं हुए दोनों भाई, तो मैं ब्लॉग बनाना भूल गया। हाँ तो भाई इनसे मिलना भाई, ये मिलने आने को कह रहे हैं, आओगे भी या नहीं देख लेना, ये ब्लॉग में डालो। अगर नहीं आए ना ब्लॉग में देखना, इनको क्या क्या बुलवाऊंगा अभी देखना। सिमरन आ रही है तू साथ में? ठीक है चलो ओके, आओ है नहीं नहीं, अरे कितने घंटे में आप आ रहे हो? ठीक है, तीसरे घंटे में हम आ रहे हैं। ठीक है चलो कुछ शूट करके आओ, मिलते हैं। ठीक है ओके, तो ये आ गए हैं भाई। मैंने वहाँ भाई तुमको लिया नहीं थी वीडियो में, ठीक है, उस टाइम पे मेल मिलाप में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए थे। और दिल्ली आए हैं, जिनको भी मिलना, और भाई कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है, बता देना कोई दिक्कत हो। कोई दिक्कत नहीं है, 8 बजे बाद मैं सबसे बात करता हूँ, 8 बजे बाद फ्री होता हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ। बाकी फरमाइश लगे अपने नोट छापने में, ये है ना आगे बात ही नहीं है, जब तो फोन पे लगेगा पता नहीं कहाँ। अच्छा राहुल भाई, राहुल भाई को एक चीज़ दे दी है मुझे। क्या? जयपुर में दी थी दो, एक वापस ले ली थी मैंने। हाँ। तो एक चीज आपको क्या थी? अगर अच्छी लगेगी और मिलेंगी पकड़ो, इसमें वो है टिकटॉकर बड़ी ताकत तो है। ये देखो कैसी है टी शर्ट, सही लग रही है, बहुत सही लग रही है, बहुत बात तो कर। अब बोल रहे हैं भाई कि 2-3 और लाके देंगे। चलो आए, अब सब लोग बैठेंगे अपना आराम से। ठीक है, बाकी एक बार और सबको दिखा देता हूँ। कौन यहाँ? कोई है नहीं यहाँ, अकेला मेरे पर बैठा हुआ है, सीटी मारा पता नहीं किस पे। ये रूम भी खाली पड़ा है अभी, देखो क्या तहस नहस हो रखा है। देखो काम करने वाले यहाँ बस दो ही लोग हैं, एक ये है, ये हमने काम वाली रखी हुई, और ये है ये काम करनी है। क्यूट कैनी, इसका कल आगे से नाम तेरा दूंगी क्यूट कैनी, है ना? देखो क्यूट लग रही है, चेहरे पे अपना क्लियर लग तो रही है, क्यूट दांत में थोड़ा पालक लग रहा है। हां पालक हटा दे, पालक निकाल दे सामने, इधर से कुछ है हरा हरा लग रहा है। ये देख इसमें देख सामने, इधर साइड वाले में, इस साइड कोने पर, हाँ इधर देखो, इधर देख लग रहा है ना, अजीब सा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, रिफ्लेक्शन है वो इसकी शायद। नहीं अब इधर यहां पे झाड़ू पोछा वाइपर में सब मार के 1500 रुपए में, ठीक है बता दे रहा। ठीक है चलो ब्लॉग को कर देते हैं यहाँ पे खत्म, और वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर कर देना। ठीक है, जो भाई की टी शर्ट भी सही लग रही है, बाकी शुक्रिया भाई टी शर्ट के लिए, ऐसी लाते रहना, जब कोटा होगा तब ले लेना, ऑलरेडी लेके रखना वहाँ पे। ठीक है, और शुक्रिया मत बोलना। हाँ मुझे 4-5 जीन्स दिला देना। फिर ऐसा टी शर्ट उतार लो ये ले जाओ। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, ध्यान रखो सभी लोग, गुड नाइट, शुभरात्रि। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।